हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, 49 जूनियर कबड्डी नेशनल चैंपियनशिप होने जा रहा हैदराबाद में। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का साथ में हो रहा है। जो लास्ट हुआ था वहां पे बॉयज का अलग हुआ था, गर्ल्स का अलग हुआ था, लेकिन यहां पे बॉयज एंड गर्ल्स का साथ में हो रहा है। तो जितने भी स्टेट है अपने अपना टीम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो गोवा वुमेन्स टीम का यहाँ पे टीम डिक्लेयर हो चुका है। आपको बताता हूँ कौन से वुमेन्स कबड्डी प्लेयर को चांस मिला है गोवा टीम में खेलने के लिए, गोवा का स्क्वाड क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 49 जूनियर नेशनल के सब वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं वहाँ पे पर्सनली जाने वाला हूँ, तो सब मैचेस की वीडियोस मैं मेरे चैनल पे डालूंगा। आप जरूर मेरे चैनल पे देखिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मेरे चैनल पर आप 49 जूनियर नेशनल के सब वीडियोस देख सकते हो, 49 जूनियर नेशनल की सब अपडेट देख सकते हो। तो हम बात करेंगे अभी गोवा टीम के बारे में, कौन से वुमेन्स कबड्डी प्लेयर को चांस मिला है। गोवा की जो कैप्टन होने वाले वो है यशमिता, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर कबड्डी प्लेयर है। गोवा की जो अगली प्लेयर है प्रणाली, प्रणाली बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर है। गोवा की जो अगली प्लेयर है प्रांजवी, प्रांजवी बहुत ही जबरदस्त रेडर है। तो देखते क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। अगली जो प्लेयर है वो है अंशु, अंशु बहुत ही जबरदस्त रेडर है अपनी टीम के लिए। देखते कैसा परफॉर्म करती है। अगली जो प्लेयर है गोवा की वो है दीप्ति, तो दीप्ति देखते कैसे परफॉर्म करती है। गोवा की जो अगली प्लेयर है वो है विभा, विभा बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर कबड्डी प्लेयर है। गोवा की जो अगली प्लेयर है वो है आरती, आरती बहुत ही अच्छी डिफेंडर है। गोवा की जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है महिमा, महिमा बहुत अच्छी लेफ्ट कवर है। गोवा की जो अगली प्लेयर है वो है रवीना, रवीना देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है गोवा के लिए, कैसे पॉइंट लाती है। गोवा की जो अगली प्लेयर है वो है राम भतेरी, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर कबड्डी प्लेयर है। और गोवा की जो अगली प्लेयर है वो है तमन्ना, तमन्ना बहुत ही जबरदस्त डिफेंडर है। और गोवा की जो लास्ट प्लेयर है वो है पूजा, पूजा बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर कबड्डी प्लेयर है। तो ये गोवा की पूरी टीम थी, गोवा की बहुत ही जबरदस्त बैलेंस टीम बनाई है। तो देखते हैं जो 49 जूनियर नेशनल होने वाला है उसमें गोवा की वुमेन्स टीम कैसे परफॉर्म करती है, अपने जो ग्रुप में मैचेस है वो कैसे विन करती है, अगर नॉकआउट्स में आती है तो कैसे परफॉर्म करती है, विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा उनका, स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्टार्टिंग सेवन क्या होगा गोवा का, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप गोवा के प्लेयर को जानते हो तो उनके बारे में जरूर कमेंट करके मुझे बताना। फ्रेंड्स, 49 जूनियर नेशनल में जाने वाला खुद, तो जितने मैचेस होने वाले सब आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेंगे। जितने भी टीम्स है पार्टिसिपेट करेंगे, जितने स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे उनके सबके मैचेस आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस आने वाले मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। 49 जूनियर नेशनल की पूरी अपडेट आपको मिलेगी, टीम से लेके पूरे मैचेस से लेके नॉकआउट मैचेस, सेमीफाइनल, फाइनल सब आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको क्या लगता है गोवा की टीम कैसे परफॉर्म करेगी, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टीम की जो भी कॉम्बिनेशन रहेगी उनके साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।